गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पेनिनसुलर प्लेटू में हमने देखा सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। तो सेंट्रल हाईलैंड हमने कवर कर लिया है, अब डेक्कन प्लेटू के बारे में एक बार फिजिकली मैप में देख लेते हैं, उसके बाद जो थ्योरी पार्ट है वो देख लेंगे। तो जो डेक्कन प्लेटू है उसकी शेप आपके सामने ही है। ये पहले स्टार्ट कहाँ से होता है डेक्कन प्लेटू? नर्मदा रिवर डिवाइड करती है सेंट्रल हाईलैंड को, ये जो एरिया है, और नर्मदा रिवर से जो ये नीचे का जो एरिया है, जो ये आपको पठारी एरिया, पहाड़, उठा हुआ एरिया दिख रहा है, ये हमारा सारा डेक्कन प्लेटू है। तो नर्मदा रिवर के ऊपर विंध्यांश रेंज आ गई, उसके नीचे सतपुरा रेंज है। और जो डेक्कन प्लेटू है, जो डेक्कन प्लेटू का जो एरिया है वो ट्रायंगुलर शेप में है। ये देखो, यहाँ से ये वेस्टर्न घाट है और ये वाला एरिया एंड दैट ये एरिया, ये सारा एक ट्रायंगुलर शेप में है। उसके बाद इसमें आ जाते हैं काफ़ी हिल्स और काफ़ी छोटे छोटे जो प्लेटू हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सारे के एक टॉपिक अपन कवर करेंगे, और रिवर हैं जो इसमें वो भी देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट रिवर है। उसके बाद मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको और भी अच्छे से दिख जाएगा। अजंता रेंज है, सतमाला हिल्स हैं, ठीक है, बालाघाट रेंज है, और ईस्टर्न घाट हैं, जो हरिश्चंद्रा रेंज है। फिर हम नीचे जाते हैं तो हमारी नीलगिरी हिल्स, आप ये देखो नीलगिरी हिल्स हैं, अन्नामलाई हिल्स हैं, और भाई ये क्या अवधि हिल्स हैं। तो काफ़ी सारे जो ये एक एक टॉपिक है ना, जो एक एक जो हिल्स हैं या प्लेटू है, वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके आप आराम से देख सकते हैं। अब हम थ्योरी पार्ट देखते हैं। थ्योरी पार्ट में हम देखें तो सबसे पहले डेक्कन प्लेटू, आपको प्लेटू के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो मैंने वीडियो डाल दी है, पेनिनसुलर क्या होता है, प्लेटू क्या होता है। अब थ्योरी पार्ट देखते हैं इसका, डेक्कन प्लेटू का लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया, क्योंकि हमारे जो मेन जो पेनिनसुलर प्लेटू वो दो हैं जिसमें पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल हाईलैंड या सेंट्रल प्लेटू और डेक्कन प्लेटू। लाई टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर से सतपुरा रेंज से स्टार्ट होके नीचे तक, शेप्ड एज ए इनवर्ट ट्रायंगल, ठीक है, सराउंडेड बाय सतपुरा हिल्स, ओके, महादियो हिल्स, माईकाला रेंज या अमरकंटक हिल्स, राजमहल हिल्स नॉर्थ में। एक एक पॉइंट कवर करेंगे, एक एक वीडियो आएगी हर एक इस पॉइंट की, टॉपिक की। वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, तो ये सब इसमें सराउंड से घिरा हुआ सारा कवर है इसमें। फिर क्या है बोला गया इसमें, वोल्केनिक इज ओरिजन मेड अप ऑफ हॉरिजेंटल लेयर ऑफ सॉलिडफाइड लावा फॉर्मिंग ट्रैप स्ट्रक्चर विद स्टेप लाइक अपीयरेंस। वोल्केनिक ओरिजन का मतलब क्या था, इस लाइन का पूरा मतलब क्या हुआ? देखो, जो वोल्केनो से जो लावा मैग्मा निकला वो धीरे धीरे हॉरिजेंटल वो पिघलता गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम शहद को सरफेस पर डालते हैं एक पॉइंट से, तो एकदम डालते हैं तो वो धीरे धीरे फैलता हुआ इकट्ठा एक लेयर टाइप बन जाता है, तो वो फॉर्मिंग एक स्ट्रक्चर बन गया, एक लावा सॉलिडफाई लावा फॉर्मिंग ट्रैप स्ट्रक्चर। तो यही बात बोली गई उसमें। एवरेज एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट इज, जो वेस्टर्न घाट है हमारे, वो 900 से 1600 मीटर उनकी हाइट है, कंपेयर टू 600 मीटर इन ईस्ट, और जो ईस्टर्न घाट है उनकी थोड़ी हाइट कम है। और उसके बाद क्या बोला गया इसमें, द जो स्लोप टुवर्ड ईस्ट एंड साउथ डिसेंड्स अब्रप्टली टुवर्ड वेस्ट मेकिंग सह्याद्री रेंज। देखो भाई, जो स्लोप है ना वो हमारी किस साइड में है, जो डेक्कन प्लेटू है वो तो हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ भी है, साउथ की तरफ भी है। हमें ऐसे, ये मैं आपको फिजिकली मैप पे दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इट कवर एन एरिया ऑफ अबाउट 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो 5 लाख स्क्वायर टोटल एरिया जो डेक्कन प्लेटू कवर करता है। रिवर हैव फर्दर सब डिवाइडेड दिस प्लेटू इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर प्लेटू, जो रिवर हैं वो फर्दर डिवाइड करती हैं छोटे छोटे प्लेटू को, सम स्मॉलर प्लेटूज को, वो भी हम देखेंगे रिवर कौन कौन सी जो डिवाइड करती हैं इन प्लेटूज को। उसके बाद जो डेक्कन प्लेटू में जो मेन छोटे छोटे प्लेटू हैं, महाराष्ट्र, क्योंकि ये इन स्टेट में पड़ता है, तो सारा कर्नाटक में तेलंगाना प्लेटू और छत्तीसगढ़ बॉर्डर्स, सतपुरा नॉर्थन बॉर्डर्स में, ठीक है, हमारा जो नर्मदा रिवर के जस्ट पास में, ओके, महादेव और खैमूर हिल्स,
मैकाल हिल्स, मैकाल रेंज या ईस्टर्न बॉर्डर, एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू इन आल्सो फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो जो बढ़ रहा है ना ये एरिया जो धीरे धीरे, तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ इंक्रीज होता जा रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। मेघालय प्लेटू गारो, कासी और जेंतिया हिल्स और खरबी अंगलोंग लॉन्ग प्लेटू एंड नॉर्थ चाचार हिल्स, ये सब हम फिजिकली मैप में एक एक टॉपिक कवर करेंगे, उसमें आराम से आप देख लें, वो सब कवर होंगे एक एक वीडियो में। तो उससे क्या है, एक वीडियो में अलग अलग आएगी तो थोड़ा सा अच्छा है, एकदम देखने में थोड़ा मज़ा आता है कि यार हाँ ये चीज़ हो गई, इसके बारे में ये पता है ना, कि पूरी वीडियो देखो दो दस मिनट की, वो सही नहीं है। ये जो स्लोप है ना डेक्कन प्लेटू की, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ झुकी हुई है स्लोप, यहाँ पे सबसे हाई एरिया है, उसके बाद ये कम है। बाकी जो रिवर सिस्टम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।